हेलो गाइस, फाइनली कैप्रॉन 1 आवर स्टार्ट होने वाला है। सो उसके लिए मेन क्वेश्चन आता है कि मैं क्या कॉलेजेस भरूं क्या ना भरूं, कहीं मुझे कोई गलत कॉलेज एलोकेट हो जाए, दिस एंड दैट। हम गिग आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट डिटेल अबाउट द कैप्रॉन। सो उसमें नंबर वन दो चीजें, एक तो कट ऑफ देख लो। सो दिस इज अ चार्ट फॉर द सीईटी कट ऑफ हर साल का, ठीक है। गो टू द लिंक ceetking.com/CET, ceetking.com/CET। इसमें नीचे जाओगे ना, आपको कैप्राउंड 1, कैप्राउंड ऑल इंडिया, महाराष्ट्र 1, कैप्राउंड 2 ऑल इंडिया, महाराष्ट्र कैप्राउंड 2, कैप्राउंड 3, सबका कट ऑफ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ओपन द कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी कैप्राउंड 1, तो अगर मैं जमनालाल बजाज का चेक करूं यहाँ पे, सो जेबीएम का कट ऑफ लास्ट पर्सन टू एंटर इज 99.938, 54th रैंक, ठीक है। सो आपको परसेंटाइल ही चेक करना, आपको रैंक देखना है। सो 54th रैंक तक वाले को जेबी मिल रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर 99.93 वॉज 54th रैंक, इस बार 99.935 इज 27th रैंक। तो बंदा जेबी जा रहा है। एससी कैटेगरी 300 रैंक, स्टेट एसपी कैटेगरी 1100 रैंक। तो ये रैंक आपको चेक करके आपको चेक करना है कि क्या मिलेगा एक एक चीज का। सो जेबी सिडनम जो भी आपकी परसेंटाइल है, उसके बाद जो भी आपका फाइनल रैंक आया है, आपको रैंक दिखना है। और जहां पे ये स्टेट लेवल दिखा है वहां पे आपको स्टेट लेवल रैंक दिखना है, जहां पे होम यूनिवर्सिटी लिखा है वहां पे होम यूनिवर्सिटी रैंक दिखना है आपको। दिस इज सिडनम कॉलेज। तो सिडनम में पुणे का बच्चा इज होम यूनिवर्सिटी, सॉरी मुंबई का बच्चा इन सिडनम कॉलेज इज होम यूनिवर्सिटी। सिडनम में पुणे का बच्चा विल बिकम अदर देन होम यूनिवर्सिटी, तो पुणे नासिक नागपुर विल बिकम OHU। सो इतने डिटेल में जाके आपको एक एक चेक करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आई डू द जी स्ट्रेटजी। चुपचाप सीटिंग पे जाओ, .com पे जाओ, यहाँ पे जाके आपको सीईटी का रैंकिंग दिख जाएगा। यहाँ पे आपके आपको ग्रेट सीईटी रैंकिंग, द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस रैंकिंग, ये मुझे पूरा सीईटी का रैंकिंग दे दिया गया है। ये मैंने नहीं दिया आपको रैंकिंग, ये सीईटी सेल ने दिया है। ये उनके हिसाब से जो बच्चों ने भरा लास्ट ईयर, 40,000 पीपल हु अप्लाइड फॉर कैप राउंड, उनकी ये रैंकिंग है। तो उनकी रैंकिंग वी कैन इजिली यूज। अगर आपके पास अपना कोई चॉइस है, लाइक जेबी सिडनम विलिंकन एसआईएस मुंबई इज नंबर 5, SAS is number 4 according to this. So where you, what you can put Pumba is number 3, Vilinkar के बाद, और Sydenham के बाद you can put Pumba. Because a lot of students, they want to go to सरकारी कॉलेज, क्योंकि फीस भी कम है, ROI भी अच्छा है। तो JB, Sydenham number 3, Pumba number 4 COEP, उसके बाद नीचे Vilinkar, SIS, चेतना, MET, ये सारे कॉलेज आप डाल सकते हो। सो अप टू 25 कॉलेजेस, गुरु नानक देव, दुर्गा देवी सराफ, विद्या अलंकार, 25 कॉलेजेस तक आई हैव नो प्रॉब्लम इफ यू आर गोइंग फॉर, ठीक है। अदरवाइज टॉप 10 टारगेट करना है आपको, टॉप 10 टारगेट करके चलो। वो आपको टारगेट लेके जाना है कि कितना नीचे तक आपको उतरना है। अदरवाइज चुपचाप इनमें से जितनी भी तुम्हारी परसेंटाइल है उसके हिसाब से उतने कॉलेज चुपचाप भर दो, या टॉप 10 भरने हैं, टॉप 20 भरने हैं, टॉप 30 भरने हैं, रैंक वाइज चुपचाप वो लिस्ट में डाल दो। इट्स अ कंप्लीट कंप्यूटर जेनरेटेड थिंग, वो चुपचाप कंप्यूटर आपको असाइन कर देगा जो कॉलेज तुम्हें मिल रहा है बेस्ड ऑन परसेंटेज। उसको लेना है नहीं लेना वो अपने हाथ में, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। वो भी हमारा है कि हम किसी भी कॉलेज को कंफर्म नहीं करेंगे अनलेस यू वांट टू गो टू दैट कॉलेज, बिकॉज देयर लॉट ऑफ सीट्स वेकेंट। ये मैंने दोनों लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। जेबी में वेकेंट सीट 0, सिडनम में लुक एट दिस, वेकेंट सीट 34% सीट्स आर वेकेंट आफ्टर कैप राउंड 3, 34% सीट्स। 108 बच्चों में से ओनली 118 ने रिपोर्ट किया है, 34% सीटें अभी भी खाली, ऑलमोस्ट 60 सीटें खाली है, 62 सीटें खाली है। वी स्कूल में 57 सीटें खाली, 60% सीटें खाली। एसएएस में 37%, कुंभा में 43%, सीओपी में 76% सीटें खाली रहेंगी। तो हम वो वेट करेंगे। तो उसका जी स्ट्रेटजी वेरी सिंपल, वी वेट फॉर द कैप राउंड 4, 4 मतलब द वेकेंट सीट राउंड, जिसमें हमें कॉलेज में इंडिविजुअली जा जाके अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी बात तब करेंगे जब वो आएगा। उसमें भी यार अभी पुम्बा के बच्चे को जेबी नहीं मिलने वाला, पुम्बा वाले को विलिंकर मिल जाएगा, विलिंकर वाले को सिडनम मिल जाएगा, सिडनम वाले को जेबी मिल जाएगा। एनी विल टॉक अबाउट दिस वंस द कैप राउंड रिजल्ट इज आउट। एज ऑफ ना पहले हमें कैप राउंड 1 भरना है। तो कैप राउंड 1 भरने का सिंपल तरीका, चुपचाप लिस्ट पकड़ो और सारे कॉलेज रैंकिंग में डाल दो। सिंपल जी स्ट्रेटेजी। ऑल द बेस्ट।